हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल एलडीसी जेई 2019 के लिए मॉक सितंबर 4.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर के। इससे पहले भी हमने पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इस सीरीज़ में आपको ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। इन 5 सेकंड में पहले आपने क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद जो उसका राइट आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी। इस सीरीज़ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसका कारण है पीएसपीसीएल एग्ज़ाम 2018 जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी और जेई का, उसी एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। उसी अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े 2019 के एग्ज़ाम में। अब आपका काम है इस लाइव सेशन को सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं इस लाइव सेशन को 40 से 50 स्टूडेंट डेली लाइव देखते हैं, बट मैं चाहता हूँ हम 100 क्रॉस करें। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप हेल्प करोगे और शेयर करोगे। मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सभी स्टूडेंट्स ने एक एक ग्रुप में इसे शेयर कर दिया है। ये वीडियो सीरीज़ मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर है, इन्होंने पूछा है कौन से पार्ट में एरर है सेंटेंस के। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर। आपका सेंटेंस है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, थर्ड पार्ट है विच ड्रेंच्ड मी कम्प्लीटली, उसके बाद लास्ट है फोर्थ पार्ट नो एरर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, यानी कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस सेंटेंस के जो पार्ट में एरर है वो है सेकंड पार्ट में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सेकंड पार्ट में एरर है। अब आप सोचेंगे इसके सेकंड पार्ट में क्यों एरर है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है नो सोनर, इसका जो पेयर बनता है वो बनता है देन के साथ, ना कि वेन के साथ। इसलिए जो यहाँ पर वेन है ये गलत है, यहाँ पर आएगा देन, टी एच ए और एन, ये आपका आंसर सही होगा। यानी कि आपका सेंटेंस सही बनेगा नो सोनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली विच ड्रेंच्ड मी कम्प्लीटली। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन और सेकंड पार्ट। जैसे आपने देखा होगा नीदर का पेयर बनता है नोर के साथ, इधर का बनता है और के साथ। इसी तरह जो ये हमारे पास नो सुनर है इसका पेयर बनता है हमेशा देन के साथ। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर वैन दिया होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका पेयर बनता है वो बनता है देन के साथ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीदर का नोर के साथ, इधर का और के साथ, ये भी आपने याद रखने हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगेन एरर से है। जो आपका सेंटेंस है वो है अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ नो एरर। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। आपका समय स्टार्ट है अब। इसके कौन से पार्ट में एरर है, आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4। आपका समय स्टार्ट है अब। इसके जो पार्ट में एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में एरर है। जो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है हिंदी में जब तक, जब तक अर्थ होता है अनलेस का। जो ये हमें सेंस देता है वो देता है नेगेटिव। जो अनलेस की सेंस होती है वो होती है हमेशा नेगेटिव। यहाँ पर भी हमें नेगेटिव सेंस मिल रही है, इसलिए एक सेंटेंस में दो वर्ड से हमें कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं मिलनी चाहिए। एक ही वर्ड से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस नेगेटिव है। दो
नेगेटिव वर्ड कभी भी यूज़ नहीं होंगे, अगर यूज़ होंगे तो आपको कॉमा पाके दिया होगा या फिर एंड पाके या कुछ ना कुछ होगा सेंटेंस में, बट इस तरह कभी नहीं होगा अनलेस यू डू नॉट। ये तो फुल्ली गलत होगा, यानी कि हमारा राइटेंस बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब आप सोचेंगे इस सेंटेंस को हम सही कैसे कर सकते हैं। इस सेंटेंस को तभी सही किया जा सकता है या तो फिर आप डो नॉट को कैंसिल कर दो या फिर अनलेस को, यानी कि आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट हो सकता है सही अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। इसका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक, एक ब्लैंक गिवन है, इन्होंने पूछा है इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपका जो सेंटेंस है वो है 14 किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। जो हमारा यहाँ पर किलोमीटर्स है, इसके बाद आपकी कौन सी वर्ब आएगी। आपके ऑप्शन है आर, हैज़, हैव और इज़। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जो स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आपका समय स्टार्टता है अब। फोर्टीन किलोमीटर्स के बाद आएगा इज, इसलिए हमारा आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन इज। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे आर में, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। इसका कारण है जो हमारा सब्जेक्ट है वो है 14, ना कि किलोमीटर्स। जो हमारे पास नज़दीक सब्जेक्ट होता है ब्लैंक के, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसके कारण, इसलिए जो काफ़ी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे किलोमीटर्स के कारण, किलोमीटर्स के कारण वो आर पर टिक करेंगे या फिर हैव पर टिक करेंगे। लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा इज फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो बनता है 14, ना कि किलोमीटर्स, इसलिए हमारा आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन इज। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करूँगा। जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है एक। आपका क्वेश्चन है गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। इन्होंने पूछा हुआ है रीडिंग के बाद क्या आएगा इस ब्लैंक में। आपके ऑप्शन है बिलीव्स, लीड्स, रिफ्लेक्ट्स और स्टार्स। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जो स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आपका समय स्टार्टता है अब। रीडिंग के बाद आएगा रिफ्लेक्ट्स, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट का जो पंजाबी में मीनिंग होता है वो होता है झलक, झलक। ये भी आपने याद रखना है, कई बारी वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप सोचेंगे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा। गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, यानी कि गुड रीडिंग है वो झलक पेश करती है द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड की, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है वर्ड सिमिलर, यानी कि सिनोनियम पूछा है सिमिलर। आपका वर्ड है फ्राइवोलस, फ्राइवोलस का सिनोनियम पूछा है। आपके ऑप्शन है कैप्शियस, वाइज, प्योराइल, स्पिरिचुअल। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सबका आंसर आना चाहिए। फ्राइवोलस का जो सिनोनियम है वो कौन सा है। आपका समय चढ़ता है अब, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। फ्राइवोलस का जो सही सिनोनिम है वो है प्योराइल, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन प्योराइल। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है हल्का, पंजाबी में लिख देता हूँ हल्का। हल्का अर्थ होता है फ्राइवोलस का। पहले तो आप ये जान लो इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो यहाँ पर एफ आर आई है इसको आपने अलग करना है, यानी कि इसका अर्थ क्या बनेगा, फ्री, फ्री। इसको आपने इस तरह लिंक करना है फ्री से। उसके बाद जो बोलस है वो तो है ही अलग से, ये तो अलग है ही, इसलिए फ्री को आपको लिंक करना है हल्के से के साथ। क्योंकि आप सभी सोचते हो, आप सभी क्या, सभी लोग सोचते हैं जो फ्री का सामान होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, यानी कि व्यर्थ होता है। जो फ्री का सामान होता है वो क्या होता है, हल्का और व्यर्थ। ऐसे आप लिंक करके इस वर्ड को याद रख सकते हो हमेशा के लिए। अब आपको ऐसा वर्ड कहीं भी दिखेगा आप 10 सेकंड में उसका आंसर बता दोगे।
फ्राई वॉलर्स का अर्थ क्या होता है? हल्का हल्का या व्यर्थ, व्यर्थ भी होता है इसका मीनिंग, याद रखिए। इसलिए इसके लिए जो ट्रिक है वो है फ्री, फ्री के साथ आप इसको लिंक कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है अगेन सिमिलर वर्ड पूछा है, यानी कि सिनोनिम पूछा है। आपका जो क्वेश्चन है वो है पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का सिनोनिम क्या है? आपके ऑप्शन ये चार हैं, एडॉर्न, काल्म, करियस, उसके बाद हार्डन। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। पेट्रीफाई का जो सिनोनिम है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये चार वाले, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। आपका समय स्टार्ट है अब। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, हार्डन। हार्डन यानी कि कठोर, इसका अर्थ क्या होता है? कठोर, पंजाबी में लिख देता हूं यहां पे, कठोर इसका अर्थ होता है कठोर बनना, या फिर पत्थर बनना भी आप इसको लिख सकते हो, पत्थर बनना, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसका दोनों ही ये अर्थ होते हैं, कठोर बनना या फिर पत्थर बनना। पी से होता है पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है? पत्थर बनना, ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हो हमेशा के लिए। हार्डन से तो आपको पता चल ही रहा है क्या अर्थ होता है, कठोर, जो हार्ड होता है, जो ज़्यादा हार्ड होता है वो होता है कठोर। इसलिए इसका जो सुनोने बनेगा सही वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, हार्डन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, एक वर्ड गिवन है, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका वर्ड है ग्रीजारियस, ग्रीजारियस। आपके जो ऑप्शन है वो है एफेबल, जेनियल, इंट्रोवर्ड, अर्बेन। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर आएगा, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, उसके बाद जो मैं राइट आंसर बताता हूँ उसके बाद आपने वो याद रखना होता है। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। ग्रीजारियस का जो एंटोनिम है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, थर्ड ऑप्शन, इंट्रोवर्ट जो है वो है ग्रीजारियस का एंटोनिम। ग्रीजारियस का अर्थ होता है मिलनसार, पंजाबी में लिख देता हूँ मिलनसार, मिलन सार होता है, अर्थ होता है ग्रीजारियस का, ये आपने याद रखना है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ एक याद करने की, ग्रीजारियस का मीनिंग आपने ध्यान देना है इस तीन वर्ड पर, ग्री पर, जो फर्स्ट थ्री लेटर हैं उन पर ध्यान देना है आपने, ग्री। उसके बाद आपने इसको एक टीचर मानना है इंग्लिश का, जो आपके साथ क्या है, फ्रेंडली है, यानी कि ग्री एक टीचर है इंग्लिश का, वो आपके साथ क्या है, फ्रेंडली है, यानी कि मिलनसार है एक तरह का, ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हो। ग्रीजारियस का अर्थ क्या होता है? मिलनसार, मिलनसार। और इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है कभी कभी मिलता हो, यानी कि ना मिलनसार हो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, इंट्रोवर्ट। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट अगेन एक एंटोनिम गिवन है, ऑपोजिट वर्ड देखना है हमें। आपका जो वर्ड है वो है ट्रीमुलुस, ट्रीमुलुस का एंटोनिम कौन सा है? आपके ऑप्शन है फीबल, फ्रगल, स्टेबल और वाइटल। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। आपका समय स्टार्ट है अब। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, स्टेबल, स्टेबल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ट्रीमुलुस का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा स्टेबल। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रीमुलुस जो वर्ड है इसका जो अर्थ होता है वो है कंपनी, कंपनी नहीं छुटती है उसे बोलते हैं ट्रीमुलुस, मैं पंजाबी में लिख देता हूँ, ट्रीमुलुस का अर्थ होता है कंपनी। यानी मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है वो कांप रहा है ठंड से, उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं ट्रीमुलुस। और जो स्टेबल है यानी कि स्टेबल खड़ा है कोई पर्सन, बिल्कुल सीधा खड़ा है, सही खड़ा है, कोई कंपनी नहीं रही है उसको, ये एक दूसरे के हो गए ऑपोजिट वर्ड, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, स्टेबल। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं।
देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, ये एक इडियम और फ्रेज से क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा, इसका क्या मीनिंग है, यानी कि जो हमें इडियम और फ्रेज गिवन है इसका क्या अर्थ होता है। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा, आपके ऑप्शन है हैप्पी एंड सैड, द बिगिनिंग ऑफ एंड द एंड, द लव एंड द हार्टेड, उसके बाद ट्रुथ एंड डेयर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका समय स्टार्ट है अब। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा का अर्थ होता है द बिगनिंग एंड द एंड, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन, द बिगनिंग एंड द एंड, यानी कि स्टार्टिंग और ख़त्म तक का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हो सकता है ये पीएसपीसीएल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा का अर्थ होता है द बिगनिंग एंड द एंड। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, ये एक अगेन इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है थ्रो अप द स्पॉन्स, थ्रो अप द स्पॉन्स का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है टू अटैक, टू लाफ एट समवन, टू सरेंडर, टू टॉक लाउडली। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। जूम आउट कर दिया है, आप सभी को विजिबल हो रहा होगा, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। थ्रो अप द स्पॉन्स का जो बेस्ट इडियम और फ्रेज है वो कौन सा है। थ्रो अप द स्पॉन्स का अर्थ होता है टू सरेंडर, इसलिए हमारे आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, टू सरेंडर। टू सरेंडर का अर्थ क्या होता है, टू सरेंडर का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, पंजाबी में लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आत्मसमर्पण करना, इसका अर्थ होता है टू सरेंडर का, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन टू सरेंडर। थ्रो अप द स्पॉन्स का अर्थ होता है टू सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण करना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक जो ब्रैकेटेड पार्ट है एक सेंटेंस में इन्होंने पूछा है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है आई हैड, जो यहाँ पर ऑफ यू है, इसको हम किसके साथ रिप्लेस करें कि आपका जो सेंटेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, यानी कि ज़्यादा लॉजिकल सेंस बन जाए उसकी। आगे है एग्ज इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। ऑफ यू को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, आपके ऑप्शन है अ लिटल, फ्यू लिटल, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सबका आंसर आना चाहिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका समय स्टार्ट है अब। फ्यू के प्लेस पर आएगा फ्यू, इसलिए हमारा आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन फ्यू। इसका कारण है इन्होंने पूछा, बोला हुआ है आई हैड फ्यू एग्ज इन द फ्रिज, यानी कि नामात्र। फ्यू का अर्थ क्या होता है, पहले तो मैं आपको फ्यू का अर्थ बता देता हूँ। फ्यू का अर्थ होता है नामात्र, यानी कि कुछ भी नहीं है फ्रिज में, नामात्र। पहले तो आपको यही मीनिंग पता होना चाहिए, फ्यू का अर्थ होता है नामात्र। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई हैड एग्ज फ्यू एग्ज इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम, यानी कि फ्रिज में एग्ज ना मात्र हैं, यानी कि या तो एक दो होएगा या तो, या फिर ना मात्र होंगे, कुछ नहीं होगा फ्रिज में। आई हैड फ्यू एग्ज इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू मार्केट टू बाई देम, यानी कि कुछ भी नहीं है फ्रिज में, फ्यू एग्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें अभी की अभी बाय करने पड़ेंगे एग्ज मार्केट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी जो सेंस बनती होती है फ्यू की, नामात्र बनती होती है। जैसे आप लिंक कर सकते हैं फ्यू एक दो, और उसके बाद आ फ्यू होता है वो होता है चार पाँच के साथ आप लिंक कर सकते हो। जो एक होता है दा फ्यू होता है काफ़ी सारा मटीरियल होना, यानी कि जितने हैं सारे के सारे, उस सेंस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं दा फ्यू। इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इन तीनों में, आ फ्यू, फ्यू और दा फ्यू। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th नंबर के बाद 12th नंबर क्वेश्चन, अगेन एक ब्रैकेटेड पार्ट है जिसको हम इम्प्रूव करना है हमें। आपका जो सेंटेंस है वो है माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से, जो यहाँ पर अबाउट है इसको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है इन, ऑफ, टू और नो इम्प्रूवमेंट।
जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ लाइव, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय शर्ता है अब। अबाउट के प्लेस पर कौन सा आएगा आपका? अबाउट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा टू के साथ, यानी कि हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन टू। आप दे सकते हो क्या सेंटेंस बनेगा? माई ब्रदर इज़ इनडिफरेंट टू वट एवर आई से। मेरा ब्रदर है जो, वो इनडिफरेंट है जो मैं उसे बता रहा हूँ या कह रहा हूँ। टू का जो अर्थ होता है वो होता है इन द सेंस नू यूज़ हुआ है, नू यानी कि मैं अपने ब्रदर को क्या कह रहा हूँ, अपने ब्रदर नू। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन टू। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक फ्रेज गिवन है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपका जो क्वेश्चन है वो है आ फ्यूनरल पोइम। आ फ्यूनरल पोइम के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। आपके जो ऑप्शन है वो है एलगी, पेंडेमोनियम, उसके बाद पैरोडी, उसके बाद सोनेट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप फ्यूनरल पोइम के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एलगी। इसलिए हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन एलगी। एलगी का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हिंदी में मीनिंग होता है शोक गीत। शोक गीत यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, आप देख सकते हो। शोक गीत अर्थ होता है एलगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन अगेन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है। इन्होंने पूछा है इसके प्लेस पर हम कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोता हुआ चलता हो उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शन है ड्रॉवर, फास्टिडियस, नेमिसमेटिस्ट, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका सोमनम बुलिस्ट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पर्सन नींद में चलता हो उसके लिए हम कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। आपका समय स्टार्ट है अब। जो नींद में चलता हो हम उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे वो करेंगे सोमनम्बुलिस्ट। इसलिए हमारा आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन सोमनम्बुलिस्ट का अर्थ होता है नींद में चलने वाला। पंजाबी में लिख देता हूँ यहाँ पे, नींद में चलने वाला अर्थ होता है सोमनम्बुलिस्ट का। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींद में चलने वाला सोमनम्बुलिस्ट। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कौन से स्पेलिंग हैं जो रॉन्ग हैं, यानी कि इनकरेक्टली हैं। आपके जो ऑप्शन है वो है गारंटी, इटनरी, उसके बाद मैग्निफिशेंट, उसके बाद राइटिंग। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से जो स्पेलिंग गलत हैं वो हैं फर्स्ट ऑप्शन के गारंटी के, ये इसके स्पेलिंग सही नहीं होंगे। इसके जो सही स्पेलिंग होंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी यू ए आर ए एन टी डब्ल, ये आपके सही स्पेलिंग होंगे। यहाँ पर एन है, जी यू ए आर ए एन टी डब्ल, ये आपके सही स्पेलिंग होंगे गारंटी के। इसलिए हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन गारंटी के स्पेलिंग सही नहीं है, ये गलत हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ट। इसलिए हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन गारंटी। नेक्स्ट अगेन एक इनकरेक्टली वर्ड गिवन है, इन्होंने पूछा है किसके स्पेलिंग गलत हैं। आपके ऑप्शन है एटिकेट, एग्जीक्यूट, रेस्टोरेंट और लास्ट ऑप्शन है स्कैवेंजर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सभी का आंसर आना चाहिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से जो स्पेलिंग गलत हैं वो हैं एटिकेट के, इसलिए हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन एटिकेट। यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ एटिकेट के, ई टी आई क्यू यू ई डबल टी आएगा यहाँ पर, ना कि एक टी आएगा, सिंगल टी नहीं आएगा, दो टी आएंगे, एटिकेट, ये स्पेलिंग सही होंगे एटिकेट के। इसलिए हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन एटिकेट। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन।
चार ऑप्शन गिवन है, यानी कि पी क्यू आर एस गिवन है, इसे अरेंज करना है एक लॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि इस पैराग्राफ की कोई ना कोई सेंस बननी चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, आपको सभी को सही से दिखाई देगा। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, मैं आपके लिए रीड भी कर देता हूँ थोड़ा सा। पी जो है वो है, बट ही डिड नॉट नाउ हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। उसके बाद क्यू है, उसके बाद आर है, उसके बाद एस है। ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए मैं रीड नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सही से, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन है सही। आपका समय स्टार्ट है अब। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, ये सही ऑर्डर है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जाना है बाय ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए बट ही डिड नॉट नाउ, यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं आ सकता, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो, ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद एक ऐसा वर्ड्स ढूंढना है हमें जो सेंटेंस बन सके हमारा, यानी कि हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सके, इस तरह का सेंटेंस हमने ढूंढना है चारों सेंटेंस में से। वो हमें मिलता है आर में, यानी कि हमारा फर्स्ट प्लेस पर कौन सा आएगा, आर, आर सेंटेंस होगा। मोहनलाल ट्रेन वाज लेट एंड आई रीच्ड कोलकाता एट अ लिटल आफ्टर मिडनाइट। उसके बाद हमें लिंक करना है इस सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो आएगा क्यू, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, ही डिड नॉट नाउ वेयर टू गो, यानी कि हमारी सेंस बिल्कुल सही बन रही है, यानी कि सेकंड प्लेस पर आएगा क्यू सेंटेंस। उसके बाद ऐसा सेंटेंस आएगा और लास्ट पर आएगा आपका बट ही डिड नॉट नाउ हाउ टू फाइंड वन एट आवर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, आर क्यू एस पी। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन, अगेन लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन सेंटेंस को, चारों सेंटेंस को। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और जूम आउट कर देते हैं। लीजिए, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ये चारों। आपका समय स्टार्ट है अब। इन क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस। यहाँ देखिए फिर से मैंने आपको पहले ही बताया पहले सेंटेंस में, एंड स्लोली, ये कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता, इसको इग्नोर करना है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्रैक हो गया, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कभी आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको एक सेंसिबल ऑर्डर में सेंटेंस को ढूंढना है, वो मिलता है हमें क्यू पार्ट में, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। उसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा फर्स्ट वाला, यानी कि पी वाला, एंड स्लोली यू रीच द पाइनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग आ यूनिटी विद ऑल लाइफ। उसके बाद आपका पार्ट आएगा आर, वंस यू एक्सपीरियंशली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरैलिटी। और उसके बाद आएगा एस पार्ट, देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव अ सिचुएशन बट विदाउट एंगर। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो बनेगा क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपने ऐसा पार्ट ढूंढना है जो फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं आ सकता, और ऐसा पार्ट भी ढूंढना है आपने जो लास्ट पर भी कभी नहीं आ सकता। कई बार सेंटेंस लास्ट में एंड होता है, एंड से और से, इस तरह से आपने क्वेश्चन को एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है, यानी कि वॉइस से क्वेश्चन है। आपका जो सेंटेंस है वो है, राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। इसकी जो पैसिव वॉइस कौन सी बनेगी इस सेंटेंस की, आपके ऑप्शन है ये चारों, मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है गलती से, यहाँ जो राइट आंसर है वो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बींग संग बाय राम फॉर हिज मदर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो
ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर आ गया आ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके बाद हमें पता चलता है ये पास्ट टेंस में है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है किस टेंस में है, हमें यहाँ से पता लग गया वाज से कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। उसके बाद हमने एज इट इज़ लिख लिया वाज, जो कंटिन्यूस टेंस होता है आई एन जी फॉर्म होती है जिसमें भी, उसमें हम हमेशा सदा ही हम बींग यूज़ करते हैं। उसके बाद वाज के बाद हमने यूज़ कर लिया बींग। उसके बाद संग, जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है वॉयस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे हमें फर्स्ट फॉर्म गिवन हो चाहे सेकंड गिवन हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर सॉन्ग को कन्वर्ट कर दिया हमने संग में। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो बन गया ऑब्जेक्ट बाय राम। उसके बाद जो हमारा ये है लास्ट में, ये एज इट इज़ आ गया फॉर हिज मदर, फॉर हिज मदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट पार्ट में मैं सारी की सारी वॉइस क्लियर कर दूंगा आपको। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, ये है नरेशन से क्वेश्चन, यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है ये आपका। ये क्वेश्चन है वो है, प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो स्कूल द नेक्स्ट डे, यानी कि क्वेश्चन उल्टा गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच में। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, हमें गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच में, हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में। आपके जो ऑप्शन है ये चारों हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखाई देगा अच्छे से। आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी के सभी स्टूडेंट इस कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करोगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी कि 5.3 पार्ट में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, तब तक आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ईडियम और फ्रेज हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। हर एक पार्ट में 10 ईडियम फ्रेज यूज़ किया करेंगे डेली, और 10 याद किया करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली। मैं आपको 10 के 10 याद करवाया करूँगा। आपको अगर इन 10 में से 2 से 3 भी याद रह गए तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा प्रयास अच्छा चल रहा है। डेली के डेली मैं आपको 10 टेस्ट ये ईडियम और फ्रेज हैं वो बताया करूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। जैसे फर्स्ट ईडियम और फ्रेज गिवन है हमें, टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ। इसका जो अर्थ होता है वो है टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ का अर्थ होता है टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि आपको याद करवाने हैं सारे के सारे ईडियम और फ्रेज। उसके बाद जो हमारा सेकंड ईडियम और फ्रेज है वो है अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का अर्थ होता है अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस अर्थ होता है अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, अ फेयर क्रैक ऑफ का विप का अर्थ होता है अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद थर्ड ईडियम और फ्रेज है वो है टू टॉक वंस हेड ऑफ, टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका अर्थ होता है टू टॉक एक्सेसिवली, टू टॉक एक्सेसिवली अर्थ होता है टू टॉक वंस हेड ऑफ का, टू टॉक वंस हेड ऑफ का अर्थ होता है टू टॉक एक्सेसिवली। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, टू होल्ड समथिंग इन लीश, टू होल्ड समथिंग इन लीश का अर्थ होता है टू रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन का अर्थ होता है जो होता है वो है टू होल्ड समथिंग इन लीश, टू होल्ड समथिंग इन लीश का अर्थ होता है टू रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन। नेक्स्ट है फिफ्थ, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ होता है टू बी अनडिपेंडेबल, टू बी अनडिपेंडेबल अर्थ होता है टू प्ले फास्ट एंड लूज का, टू प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ होता है टू बी अनडिपेंडेबल। नेक्स्ट है टू रैंगल ओवर एन एसेज शेडो, टू रैंगल ओवर एन एसेज शेडो, इसका अर्थ होता है टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स अर्थ होता है टू रैंगल ओवर एन एसेज शेडो, टू रैंगल ओवर एन एसेज शेडो का अर्थ होता है टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स। नेक्स्ट है ऑल अगोग, ऑल अगोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑल अगोग का अर्थ होता है रेस्टलेस, ऑल अगोग का अर्थ होता है रेस्टलेस, रेस्टलेस अर्थ होता है ऑल अगोग का, ऑल अगोग क्या अर्थ होता है रेस्टलेस, रेस्टलेस। नेक्स्ट है एट्थ नंबर, टू फ्रेम अ पर्सन, टू फ्रेम अ पर्सन का अर्थ होता है टू मेक वन अपील गिल्टी, टू मेक वन अपील गिल्टी अर्थ होता है टू फ्रेम अ पर्सन का,
टू फ्रेम अ पर्सन का अर्थ होता है टू मेक वन अपील गिल्टी, टू मेक वन अपील गिल्टी। नेक्स्ट है सुपर इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट है अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का अर्थ होता है अ नैरो एस्केप, अ नैरो एस्केप अर्थ होता है अ क्लोज शेव का, अ क्लोज शेव का अर्थ होता है अ नैरो एस्केप। आप कैसे याद रख सकते हो इसको? जो नाई होता है, नाई आपको पता ही होगा जो बाले बाल कटता है, हमारी दाढ़ी वगैरह बनाता है, नाई बोलते हैं उसको पंजाबी में। नाई होता है वो जो शेव करता है वो काफ़ी क्लोज से करता है, काफ़ी नैरो से करता है, इसलिए आप याद रख सकते हो क्लोज शेव का अर्थ होता है अ नैरो स्केप। नेक्स्ट है टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का अर्थ होता है टू टॉक विद सम रेजर्वेशन, टू टॉक विद सम रेजर्वेशन अर्थ होता है टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टू टॉक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का अर्थ होता है टू टॉक विद सम रेजर्वेशन। उसके बाद हम 10 याद करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट जो है वो है टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। उसके लिए हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं हम टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यूज़ करते हैं। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एक ऐसा पर्सन जिसकी जो स्टोरी है या इवेंट है वो रियल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट। उसके बाद कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, यहाँ पर जो कस्टम होता है यानी कि रिवाज होता है काफ़ी वाइव्स को रखना, उसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं पॉलीगैमी। राजे महाराजे यूज़ करते थे, आपको पता ही है काफ़ी सारी वाइव्स होती थी उनकी, इसलिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स उसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। उसके बाद अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा पर्सन कोई भी रिलीजन में विश्वास ना रखता हो, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है पगन, पगन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो पर्सन किसी भी धर्म में विश्वास ना रखता हो, कोई भी पर्सन जो किसी भी बिलीव ना करता हो किसी भी धर्म में, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पगन, पगन। उसके बाद ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीजेज, इनक्यूरेबल डिसीज, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है एथोसेनिया, एथोनिसिया, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एथेनेशिया, एथेनेशिया। जिसकी पर्सन की डेथ हो जाती है किसी इनक्यूरेबल डिसीजेज के कारण, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं हम वो है इथेनेशिया, इथेनेशिया। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल सुपर इम्पोर्टेंट, इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है लाइसेंटियस, लाइसेंटियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं हम अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल के लिए। नेक्स्ट है अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री, अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शीप एंड पोल्ट्री एक्सेट्रा, इसके लिए जो स्मॉल बच्चे होते हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं पेन, पेन। अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री एक्सेट्रा, इसके लिए हम वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं पेन, पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रीजनिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो करते हैं डिप्लॉय, डिप्लॉय। उसके बाद 9th है वन हु फोर्सी वाई सीजेस कंट्रोल ऑफ अ बस और एन एयरक्राफ्ट, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाईजैकर। आपको पता ही है जो फोर्सी वाई सीज हो जाता है चाहे वो बस हो, कंट्रोल हो जाए बस पर या फिर एयरक्राफ्ट पर यानी कि हेलीकॉप्टर पर, इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे वो करेंगे हाईजैकर, हाईजैक हो जाता है। आपने काफ़ी बड़ी ये वर्ड सुना होगा। नेक्स्ट है लास्ट, लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, द एक्ट ऑफ वंस किलिंग वाइफ, इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरोसाइड, ऑक्सोरिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, उसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड।
सो ये था PSPCL के लिए मॉक सेट नंबर 4.3 जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया विद काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फैक्ट और 10 idiom और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ डिस्कस किए काफ़ी सारे इसमें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन होते हैं 20 MCQs होते हैं वो कम से कम 20 मिनट में निपट जाते हैं। मैं चाहता हूँ उनके साथ आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन के ज़्यादा आपको इनमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एडियम और फ्रेजेस। अगर आपको इस सेशन इस तरह अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस तरह के सेशन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवा दूँगा जल्दी से, बहुत जल्दी ही। अगर आपकी इस सेशन के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका 100% सोल्यूशन बताऊँगा उस पर्टिकुलर कमेंट का। अब आपका काम है इस लाइव सेशन को और बाद में इस सेशन को इतना शेयर करना है ताकि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन को फॉलो कर सकें। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हेल्प करोगे, क्योंकि जब आप एक पर्सन की हेल्प करोगे तो आप इस चैनल की हेल्प कर रहे हो, आप ऐसे मान सकते हो। कम से कम आप एक ग्रुप में इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, कम से कम एक ग्रुप जिसमें 40 से 50 स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि एक बारी में एक स्टूडेंट 40 से 50 स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। ये आपको पहुंचाना है, वो आपने देखना है कैसे पहुंचाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।